डियर स्टूडेंट्स वेलकम। अज दी वीडियो बनाउण दा मोटिव कि तुहानू पेपर दे लई गाइड कर दिए कि किस तरह के लोंग ते जिहड़े शॉर्ट नोट वगैरह आउंदे आ। पेपर है तुहाडा रीडिंग एंड रिफलैक्टिंग ऑन टैक्सट। जिहड़ी सब तो पहले मैं मेन गल तुहानू इह दसना चाहुंदी हां कि इस पेपर दे नाल रिलेटड सारे ही जिहड़े वीडियोज़ ने सिर्फ एक दो टॉपिक नूं छड्ड के मैं अपलोड कर चुकी हाँ, तुसी चैनल दी प्लेलिस्ट ते जाके देख सकते हो। हुण असीं गल करांगे कि पेपर पैटर्न किदां दा होगा। इहनां रिलेटड मैं क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किया होया पुराना। मेन इहदे पेपर की प्रॉब्लम यह है सारे ही बच्चों नूं कि इहदे विच बहुत सारे चैप्टर अगे दिते हुए आ बुक दे विच, उह असीं करने आ जां नहीं करने। बच्चे उहनां नूं तुसीं ने करना है, बट तुसीं उहनां नूं एज ए शॉर्ट नोट करना है, क्योंकि जिहड़ी सारी बुक है वह पहले चैप्टर के उपर ही बेस्ड है, रीडिंग ते रिफलैक्टिंग दे नाल ही रिलेटेड है। हुण जो पहला इहदे विच चैप्टर है द रीडिंग प्रोसैस, इहदे विच तुहानू इहदे मीनिंग, करैक्टरिस्टिक्स, नीड ते इंपोर्टेंस ते जिहड़े रीडिंग प्रोसैस है, स्टैप्स इन रीडिंग, रीडिंग प्रॉब्लम्स, इह तुहानू सारे ही क्लीयर होने चाहिए ने, क्योंकि शॉर्ट नोट तां जिन्हें पाउणा है पेपर कितों भी पा सकदा है। नैक्सट है डिवेलपिंग रीडिंग स्किल्स। इहदे विच रीडिंग स्किल्स कंपोनेंट्स ऑफ रीडिंग किहड़े है, फैक्टर्स किहड़े-किहड़े ने जिहड़े कि ए क्वेश्चन ऑफ रीडिंग एबिलिटी नूं इन्फ्लुएंस करते हैं, स्टेजेस ऑफ रीडिंग डेवलपमेंट, लैवल्स ऑफ कॉम्प्रीहेंशन, काइंडस ऑफ रीडिंग। काइंडस ऑफ रीडिंग दे विच फोर टाइप्स ने, लाउड रीडिंग और ओरल रीडिंग, सैकेंड है साइलेंट रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग ते एक्सटेंसिव रीडिंग। हुण बच्चे जिहड़े ये चार तरह की किस्मां दित्तियां गईआं ने रीडिंग दीआं, तां इहनां दे विचों भी शॉर्ट नोट आ सकदा है। सपोज करो तुहानूं लिखिआ आ गया इंटेंसिव रीडिंग, जा डिफरेंशिएट इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग, इस तरीके नाल भी तुहानू मिला के जिहड़ा शॉर्ट नोट आ बन के आ सकदा है। नैक्सट है रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन। हुण तुहानू पहलां इहदा मीनिंग क्लीयर होना चाहिए, फिर इहदे टाइप्स और जिहड़े लैवल्स ने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दे उह पता होने चाहिए ने, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स ने, ते नाल नाल जिहड़ी विद्यार्थियों दी सी रीडिंग कॉम्पीटिशन कॉम्प्रीहेंशन है स्टूडेंट्स की, उन्होंने से किस तरीके इंप्रूव कर सकते हैं, स्ट्रैटेजीज फॉर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इफेक्टिव यूज ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्ट्रैटेजीज, ये सारे ही जिहड़े शॉर्ट नोट ने बन रहे हैं। हुण नैक्सट है क्रिटिकल रीडिंग, मीनस आलोचनात्मक पाठन जा पढ़ना। सब तो पहले थानू क्लीयर होना चाहिए, सिर्फ इन्ना इकला ही लिखा आ सकता कि क्रिटिकल रीडिंग, तो तुसीं उहदे मीनिंग ते जिहड़े डेफिनेशनस ने वो लिखोगे इत्थे। फिर इहदी नेचर जां जिहड़े करैक्टरिस्टिक्स ने, नेचर दे करैक्टरिस्टिक्स दा जिहड़ा मीनिंग है वह सेम ही हुंदा है। फिर डिफरेंस बिटवीन रीडिंग एंड एक्सट्रैक्ट इनफॉर्मेशन, रीडिंग टू एक्सट्रैक्ट इनफॉर्मेशन एंड रीडिंग क्रिटिकली। नैक्सट है इंपोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रीडिंग स्किल, जिहड़े क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स ने इहनां दी की इंपोर्टेंस है। फिर क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स ते उहनां दी स्ट्रैटेजीज किहड़ियां-किहड़ियां ने, फिर इहदे स्टैप्स किहड़े ने क्रिटिकल रीडिंग दे, फिर क्लासरूम दे विच जिहड़ी क्रिटिकल रीडिंग है उह किस तरीके नाल करवाई जा सकदी है, क्रिटिकल रीडिंग इन द क्लासरूम, बेनीफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ क्रिटिकल रीडिंग, ये सारे इस लैसन के विचों भी शॉर्ट नोट ही बन रहे हैं, कोई मीनस ये लोंग क्वेश्चन नहीं बनता। नैक्सट ये है, नैक्सट जो टॉपिक है रीडिंग ऑफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट नैशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। हुण ये जी पॉलिसी है बच्चे तुसी ने पहला सारी की हुई है, बट ये शॉर्ट नोट थोड़ा फिर आने की ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये अगों लोंग क्वेश्चन भी बनते हैं जिदे है इकली रीडिंग रिसोर्सिज से वो तो इस थानू कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग ऑफ एनपी 1986 है, ये पॉलिसी की नीड क्यों है, किड़ी किड़ी सिफारशा ने, शॉर्ट के भी आ सकता थोड़ा सिफारशा से, लोंग तो यह बन ही रहा ऑटोमैटिकली। फिर ये 1986 की जी पॉलिसी है ये क्रिटिकल रीडिंग, हुण जो क्रिटिकल रीडिंग जदों थानू बच्चे आउंदा है किसी भी टॉपिक के नाल रिलेटड, तो उहदे विच तुसीं ने दो चीज़ां लिखनियां हुंदियां, फस्ट है मैरिट्स ऑफ नैशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, सैकेंड लिखोगे लिमिटेशनस, इहदे नाल तुसीं जिहड़ी इहदी क्रिटिकल स्टडी है जां क्रिटिकल रीडिंग है वह टॉपिक की कर लोगे, मीनस दो ही चीज़ां लिखनियां तुसीं इहदे विच क्रिटिकल रीडिंग दे विच।
नैक्सट हैगा रिफलैक्टिव रीडिंग, ये भी मीनिंग वगैरह स्ट्रैटेजीज़ ने जिहड़ी रिफलैक्टिव प्रैक्टिस की हुंदी है। फिर जिहड़ा रिफलैक्टिव प्रैक्टिस फ्रेमवर्क है वो थानू पता होना चाहिए, रोल ऑफ फीडबैक क्योंकि ये बहुत जरूरी है। देखो एक जो टीचर जो क्लास पढ़ाता कि फीडबैक की हुंदी है, स्ट्रैटेजीज़ फॉर रिफलैक्शन, मैरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ रिफलैक्टिव प्रैक्टिस। हुण ये जिहड़े 6 चैप्टर ने इन्हां चों सिर्फ शॉर्ट नोट बन रहे बच्चे, दोबारा मैं थोड़ा फिर यही गल दस रही हूँ, इंपॉर्टेंट भी ने। हुण मेन आ गया सैक्शन ए दे विच रीडिंग रिसोर्स NP 1986 एंड NCF 2005। हुण इहदे विच तुसीं की करना है, रीडिंग रिसोर्सिज दे विच के इहदे बारे की कहा गया है। 1986 की जिहड़ी पॉलिसी है NP 1986 है ते NCF 2005 है, ਇਹਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਆ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਅਤੇ ਇਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਔਨ ਇਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਔਨ ਇਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ CCE ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਪਰਪਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ CCE। ਇਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰੂੰਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰੀਡਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਭਾਵੇਂ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੇ, ਭਾਵੇਂ ਏਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਇਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ 1986 ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ 2005 ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਔਨ ਕੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟ NP 1986 NP NCF 2005। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗ ਕੁਸ਼ਚਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਏਮਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਉਹਦਾ 2 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਆਫ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਕਲਾਸ 8th ਅਤੇ 9th ਸਾਇੰਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਐਂਡ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੀ ਮੇਨ ਇੱਕ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਣ ਅਤੇ ਔਗੁਣ, ਮੈਰਿਟਸ ਅਤੇ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਲਿਖਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਇੰਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਅਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਔਨ ਕੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਅਬਵ ਸਟੇਟਡ ਸਕੂਲ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਜੈਂਡਰ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਹੈਲਥ। ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੌਂਗ ਕੁਸ਼ਚਨ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਇੰਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਐਂਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਅਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੈਂਡਰ ਬਾਇਆਸ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮੀਨਸ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੋਪਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਸੋਰਸ NP 1986 ਅਤੇ 2005। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 2005 ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਪੂਰਾ ਇਹਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਕੁਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਮੈਰਿਟਸ, ਡੀਮੈਰਿਟਸ, ਇਹਦੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਿਵ ਰੀਡਿੰਗ ਆਫ NCF 2005, ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਡਰੋਬੈਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰੀਕੁਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭੀਆਂ ਸੀ NCF 2005 ਨੇ, ਚੈਲੇਂਜਸ ਫੋਰ ਨਿਊ ਕਰੀਕੁਲਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਬਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਕੁਸ਼ਚਨ ਉਹ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, NP 1986 ਐਂਡ NCF 2005। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟ, ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਰੀਡਿੰਗ ਆਫ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਓਨਲੀ ਕਲਾਸ 8th ਦੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂ 9th ਦੀ ਦੱਸ ਕੇ, ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਔਰ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਿਆਸ ਹੈ, ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਐਵੇਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸ਼ੋਰਟ ਨੋਟ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਪੈਟਰਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਓ। ਸ਼ੋਰਟ ਨੋਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
बी सैक्शन कर रहे हो तो यही लोंग ने ये ही शॉर्ट बनने हैं, बिल्कुल ये क्लीयर कट गल की गई है। हुण जो NP 1986 ते NCF 2005 है इस जी कल्ले एम्स ऑफ एजुकेशन भी पूछे जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू 1986। ठीक है जी, पैडागोजी पूछी जा सकती है, इवैल्यूएशन पूछी जा सकती है, ऐसे तरीके नाल 2005 दे अकॉर्डिंग एम्स ऑफ एजुकेशन की ने पैडागोजी और इवैल्यूएशन दे नाल रिलेटेड टॉपिक आ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हाँ कि वीडियो तुहाडे लई हैल्पफुल रहेगी, तो अपने वालों असी पूरी कोशिश करते हैं कि तुहानू जिहड़ी वधिया नॉलेज है उसी प्रोवाइड कर सकीए। मेरे वल्लों ऑल द बेस्ट, तुहानू वधिया करो ते अपनी लाइफ दे विच सक्सैस होवो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।